I got broads in Atlanta, switch to the lean, the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ड्रैग हेडशॉट कैसे मार सकते हो। जो प्रो प्रो प्लेयर है वो इसी टिप को यूज़ करते हैं पर किसी को बताते नहीं हैं, तो वही मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे ड्रैग हेडशॉट मारना सीख सकते हो। ड्रैग हेडशॉट कैसे मारना है वो जानने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और मैं आपको ये सीक्रेट टिप बताने भी वाला हूँ, तो क्या कर रहे हो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो। और आपको ये ट्रिक अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना सेंसिटिविटी फुल रखना है, तब आप जल्दी जल्दी मूव कर सकते हो और ड्रैग भी आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो टिप नंबर वन ये है कि आपको सेंसिटिविटी बढ़ा के रखना है, चाहे 2x हो, 4x हो या फिर कोई भी हो। उसके बाद आपका जो फायर बटन है उसे आपको छोटा कर लेना है, तो अचानक आप पूरा छोटा मत कर दीजिएगा, धीरे धीरे करके आप छोटे छोटा कीजिएगा। छोटा करने से ये होगा कि आपका फायर बटन छोटा हो जाएगा और आपको ड्रैग करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो आप जल्दी ड्रैग कर सकते हो। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप मेन है गाइस, आपको जो है DPI ऑन करना है, DPI ऑन करना है और उसे बढ़ा देना है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि DPI को कैसे बढ़ाना है। यही जो है ये मेन टिप है जो सारे प्रो प्लेयर यूज़ करते हैं पर किसी को बताते नहीं हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अपना मोबाइल स्क्रीन आपको डिस्प्ले में शो करता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना फ़ोन का सेटिंग ओपन कर लेना। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको चले जाना है अपने फ़ोन के अबाउट फ़ोन वाले सेक्शन में। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको वहाँ एक ऑप्शन मिलता है जो रहता है वर्जन, आपका मोबाइल का वर्जन वाला, तो उस पर आपको 5-6 टाइम क्लिक करना है। मैं भी करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा पहले से क्रिएटेड है इसीलिए मेरा भी होगा नहीं। आपको इसमें क्लिक करना है, तो आपका एडिशनल सेटिंग है ना, एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन न्यू ऐड हो जाएगा, डेवलपर ऑप्शन, आपको उसमें चले जाना है। उसमें चले जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको एक मिनिमम विड्थ करके ऑप्शन मिलता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रहेगा मिनिमम विड्थ आपका कैप तक कितना भी हो सकता है। मेरा 360 है तो उसे आपको बढ़ा लेना है, मगर आप 700 से ज़्यादा कभी भी मत बढ़ाइएगा, नहीं तो आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है या फिर हैंग हो सकता है। तो मैं 480 करके रख दूँगा, उससे जो है आपका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और खेलने में आप बहुत जल्दी मूव भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप बढ़ाएंगे उससे आपको एक घाटा होगा कि आपका जो है सारा चीज़ छोटा दिखने लगेगा, स्मॉल स्मॉल। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं, प्रो प्लेयर तो इसी टिप को यूज़ करते हैं। तो आपको ये टिप अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड को भी ये प्रो प्लेयर का टिप पता चल सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।